तो गैस इस वीडियो के बाद अगर आप सभी को कल एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए पेपर प्रेजेंटेशन का क्योंकि अगर अभी से से आप उस तरह से पेपर का प्रेजेंटेशन करने की तैयारी करना स्टार्ट कर दोगे और उस तरह से पेपर लिखना स्टार्ट कर दोगे तो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा लोग एक दो दिन दो दिन पहले प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं पर मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि कम लिख के भी ज्यादा मार्क्स आपको मिले तो इसके लिए पेपर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रहना बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हो उससे रिलेटेड वीडियो लाएं तो भाई इस वीडियो पर टारगेट लाइक वन के एंड टू हंड्रेड कॉमेंट का रखता हूँ सिंपल है फटाफट पूरा करो नेक्स्ट वीडियो आप आप सभी के लिए लेके आ जाऊंगा गाइस मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहो मैं आप सभी के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा आप टाइम देख लो दिन भर का थका हुआ हो सब कुछ कर रहा हो फिर भी मैं आप सभी के लिए यहां खड़ा हूँ तो गाइस कल के वीडियो के बाद बहुत सारे मैसेज मुझे आए मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री के अनुमार देखो गाइस एक चीज बोलूंगा इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया करो मैं सबको क्योंकि देखो मेरे पास बीएससी ब्यास वाला सेक्शन केमेस्ट्री वाला सेक्शन देन डिप्लोमा वाला सेक्शन देन उसके बाद इंजीनियरिंग वाला सेक्शन इलेवन ट्वेल्थ टेंथ सब सेक्शन है बट जो कमेंट एक साथ बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मैं ऊपर से एक एक, एक एनालाइज करता हूँ तो ज्यादा जो मैसेजेस होते हैं उससे रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुंचा देता हूँ

हो सकता है अगर आप ऐसे स्टूडेंट आप सब करने वाले हो तो भाई करो क्योंकि हम लोग भी सब करते थे बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट के नहीं सर मेरे से सब नहीं हो पाएगा सर मैं तो कुछ कुछ करके कुछ कुछ चैप्टर ही बस मुझे करना है और वही कर पाऊंगा उतना ही मेरे से हो पाएगा तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो तो भाई आप जरूर इस तरह से करो आप सबसे पहले सोल्ट जो न्यूमेरिकल वो उठा लो सॉल्ट न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल जो है वो छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो टू मार्क्स और थ्री मार्क्स यहां आपको कंफ्यूजन होगा कि टू मार्क्स और नुमारिकल कौन सा थ्री मार्क्स क्योंकि टेक्स्ट बुक के पीछे ऐसा लिखा हुआ नहीं है इसीलिए इसमें हेल्प लेने के लिए आपको उत्तम और ट्वेंटी वन उठाना पड़ेगा जिससे आपको प्रॉपर नॉलेज और समझ आ जाएगा कि कौन सा टू मार्क्स का और कौन सा थ्री मार्क्स का टू मार्क्स और थ्री मार्क्स के ही न्यूमेरिकल आप उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करो और जो भी अगर आपसे नहीं हो पा रहा है उसके फॉर्मूले एंड पुटिंग याद कर लो एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन होगा फ्रेरी वाला ऐसा कोई क्वेश्चन हो कोई डेरिवेशन हो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ एटलीस्ट फॉर्मुले एंड पुटिंग करके वो भी मार्क्स आप हासिल कर सकते हो इसके लिए जिस स्टेप्स में मैंने बोला वो स्टेप्स फॉलो करना है। पहले सोल्व न्यूमेरिकल देन उसके बाद अनसोल्ड में जो टेक्स टेक्स बुक के पीछे जो जो न्यूमेरिकल रहते हैं उसके अंदर टू मार्क्स एंड थ्री मार्क्स बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल है जो बहुत बड़े बड़े वो एग्जाम में हमारे आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर उसमें से आपको वेरीफाई करना है उसमें से एनालाइज करना है कि टू मार्क्स और थ्री मार्क्स और इसमें आपकी हेल्प कौन करेगा मैंने बोला ट्वेंटी वन और उत्तम ये दोनों बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर यहां से करोगे तो भाई अगर आपने कर लिया सब तो आपकी लाइफ जिंगल ला, आपके एक न्यूमेरिकल मतलब छूटने वाले नहीं है जरूरी नहीं कि आप पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल कर लो एटलीस्ट आप 50 टू 70 परसेंट कर पा रहे हो तो आप एक भी न्यूमेरिकल एग्जाम में छोड़ोगे नहीं और सब करके आओगे हाँ एमसीक्यू का थोड़ा बहुत टेंशन हो जाएगा बट एमसी तो आप समझ रहे हो ना भाई मेरी बातों को समझ जब समझ में समझा रहा हूं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच गाइज जय हिंद दोस्तों एंड जय महाराष्ट्र